हम आपके हैं किन्नौर। कुछ सब्जी में मसाला ज्यादा चाहिए तो कुछ में कम। नमक चाहिए ही नहीं, कहीं हल्दी डालो पर उसका रंग नहीं आना चाहिए। जैसे सब्जी नहीं किसी पेंटर की पेंटिंग बनानी हो। बोलो गुल्लू। गुड आफ्टरनून दामू, कैसी हो तुम दामू? ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, हल्दी की तरह ना तुम्हारा रंग भी मुझे साफ नजर आ रहा है क्योंकि क्रिकेट की तरह बदलता रहता है। अरे अभी तो मैंने गुड आफ्टरनून भी कहा, कैसी हो तुम भी पूछा, अब क्या किया मैंने? तुम कहाँ कुछ करते हो, तुम तो ये मैंने क्या कर दिया? अरे तुमने कुछ कर दिया तो मुझ पे क्यों भड़क रही हो? क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना सब तुम्हारी वजह से करती हूँ विलेन गुलशन ग्रोवर। मतलब? अरे अमित के पेरेंट्स को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? देखो दामू मेरी इज्जत का सवाल है। उन्हें कहाँ कोई तकलीफ हो सकती है, तकलीफ तो गुलू तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए हम उन्हें तकलीफ नहीं होने दे। You're the best, Damu. Thank you so much. I love my Damu and I love my in-laws. How romantic. ऐसी बातें सुनकर ही मन पिघल जाता है। फिर से कहो ना। Damu, अभी मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है, मैं बाद में ये सब कहूँगा ठीक है? और शायद मैं फोन पे बात ना कर पाऊँ, ओके? कोई बात नहीं, मैं फोन करूंगी ही नहीं। हबी जी, अपना ख्याल रखना। All the best. Bye. Bye, bye, bye. अगर ये गुल्लू बॉय के दोस्त के पेरेंट्स ना होते तो हमने कब का इनका कोर्ट मार्शल कर दिया होता। क्या वास्तु शास्त्र में इन्हें टाइम की कोई कदर नहीं? हम ठीक 6 मिनट 29 सेकंड से इनका वेट कर रहे हैं, उनका पता ही नहीं। डैम। गुड मॉर्निंग संदीप जी। गुड मॉर्निंग समधन जी, और वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप इतनी गर्मी में सनबाथ ले रहे? वेल समधन जी, आप तो हमारा नेचर जानती हैं। हम सनबाथ नहीं ले रहे बल्कि इस सन के अंडर बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं। पर आप जलना क्यों चाहते हैं वो भी इतने प्यारे से सूट में? वेल वो हम अपने अतिथि आई मीन गुल्लू बॉय के दोस्त के पेरेंट्स के इंतजार में जल रहे हैं। हम उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं। बाय द वे समधन जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अरे माफ कीजिए कर्नल साहब, थोड़ी देर हो गई। अच्छा चलिए बेबी जी, आप बालकनी में खड़ी रहकर क्या कर रही है? इस दिशा में मुंह करके किसी को भी हाय या बाय मत कहिएगा। पर क्यों? वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस दिशा में मुंह कर हाय या बाय कहेगी ना तो उस आदमी का काम बिगड़ना निश्चित ही है। क्या हाय हाय, और मैं तो रोज पंडित जी को ऐसे ही हाय बाय करती हूँ। अरे वही तो हमारा काम नहीं होने देता। देखिए बेबी जी, यूं दिन दहाड़े बालकनी में खड़े होकर सबको बाय बाय बोलना और ग्रहों की गति को चैलेंज करना हमेशा नुकसानदायक होता है। बोल सांचे दरबार की जय। बेबी जी आपको अंदर चले जाना चाहिए, जाइए। बाय बेबी जी। चलिए अब फाइनल बाय बाय, हो गई हो गई। अच्छा हाँ, तो कर्नल साहब अतिथियों को कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं आप? कलिंगा वॉर मेमोरियल और चेटवुड हॉल। तो बहुत अच्छी बात है, वहां तक जा रहे हैं तो फिर म्यूजियम भी ले जाइए। म्यूजियम? हाँ वहाँ जंगल की चीजों की नुमाइश होती है। वाह कितनी अच्छी जगह होगी कर्नल साहब, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? Of course, why not? हाँ तो वहाँ तक जा रहे हैं तो फिर राजा जी नेशनल पार्क भी ले जाइए। भाई देहरादून आए और राजा जी नेशनल पार्क नहीं देखा तो फिर क्या देखा, बोल सांचे दरबार की। कर्नल साहब मानता हूँ कि आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी चले जाइए, वो लच्छी वाला, वो मालसी डियर पार्क, क्लॉक टॉवर, रॉबर्स केव
और वो राम राय दरबार वगैरह वगैरह वहां भी घुमाया ये। हम जानते हैं पंडित जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम भी एक्स आर्मी मैन हैं। कर्नल साहब, आर्मी मैन हो या कॉमन मैन, अतिथियों को घुमाने की बारी आती है तो अच्छे अच्छों के हथियार गुम हो जाते हैं। बोल साचे दरबार की जय पंडित जी। कर्नल साहब, अब क्या हुआ? हुहा। अरे बेबी जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। पंडित जी आप, ये कैसा हुलिया बना के रखा आपने, और अपने ही घर में डरने का मतलब? भाई मैं तो कुछ समझी नहीं। वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले सारा कीमती सामान लेकर आओ, वो मैं अलमारी में रखूंगा, अलमारी में। क्यों पंडित जी, आपको किसी चोर ने चैलेंज किया है क्या? देखो बेबी जी, अभी आपको समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि चोर किसी भी वक्त किसी भी भेस में यहाँ आ सकता है। लेकिन पंडित जी, सारी कीमती चीजें अलमारी में रख देंगे तो घर कितना खाली खाली लगेगा। पर सिर्फ चार ही दिन की तो बात है। पर चार ही दिन क्यों? उसके बाद अतिथि चले जाएंगे। पर अतिथि तो चले गए है ना सब्दी जी के घर। लेकिन वो वापिस भी तो आ सकते हैं। वो बात तो सही है, पर सारा सामान, वो भी कीमती सामान अलमारी में रखना, ये सब क्यों पंडित जी? भगवान कितने सवाल करती हैं आप। पार्लियामेंट में होने वाले बवाल का और आपके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। बोल साचे दरबार की जय। अब सवाल कम कीजिए और सामान रखने में मेरी मदद कीजिए, लाइए। अच्छा मैं क्या कह रही थी आपसे? वो यह अतिथि की वजह से अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ रहा है। हे भगवान, यह अतिथि वापिस नहीं आना चाहिए। अतिथि, तुम कब जाओगे? कर्नल साहब, आपके साथ घूमकर बहुत सजा मिली, मतलब कि मजा आया। वाह कर्नल साहब, आपके यहाँ इस मौसम में भी इतनी गर्मी होती है? और घर में कुछ ज्यादा है। ओह जी, हेमा जी, हम देहरादून की गर्मी का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं। क्या? आपकी गर्मी का इलाज। ओह, हम आप लोग की इंस्टेंट कूलिंग का बंदोबस्त कर सकते हैं। लगता है कि कर्नल साहब गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए जिंदगी से छुटकारा दे देंगे। अरे आप लोग यूं डरे हुए क्यों हैं? अरे ये तो हमारी शान है, इसको छूते ही हमें ठंडक सी महसूस होती है। कितना अच्छा है, कमाल है, कितना खूबसूरत है। हमारी बेटी मिठू ने हमें दिया है। ओके। अरे हाँ, आप लोगों को कूल करने का भी इंतजाम करके आते हैं। एक सेकंड। अरे बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हैं आप? कर्नल साहब एक मिनट। क्या हुआ, एनीथिंग रॉन्ग? जी जी जी। ये कूलर इस दिशा में नहीं, इस दिशा में होना चाहिए। समझी वो
कर क्या रहे थे आप? वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से कूलर की दिशा ठीक नहीं थी, दिशा ठीक कर रहे थे। कर्नल साहब आप ठीक है ना? हम अभी आते हैं। हाँ गुल्लू बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारे मेहमानों की खातिरदारी कर्नल साहब बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हाँ बेटा, उनकी हालत तो कुछ ठीक नहीं है, उन्हें शौक लगा है। हाँ बाकी ठीक है, मेहमानों से तो वो भी बेचारे परेशान ही हैं। हेलो गुल्लू बॉय, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो रॉन्ग नंबर होता है कर्नल साहब, ऐसा भी होता है जब इलाज से सस्ता दर्द हो और जब किस्मत के आगे सूखा पत्ता हो, तो जिंदगी में ये सब भी होता है। बोल सांचे दरबार की जय पंडित। सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए। जय पंडित जी जय। हाँ भाई, भाई गर्मी में पानी में अगर पैर डाल के बैठो तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो। पंडित जी आइए, आप भी बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं, हम पानी से और पानी हमसे 10 फुट दूर ही रहे तो अच्छा है। मैं नाराज हूँ भाई। पापाई, इतनी गर्मी में कोई पानी से 1 इंच भी दूर कैसे रह सकता है भाई? Well, आप लोग तो हमारे नेचर जानते हैं। पानी में पैर डुबाने से ऐसा लगता है जैसे वॉर के बाद रात को कैंप में किसी ने आपके जख्मों पे नमक छिड़क, ये अपना मरहम लगा दिया। कर्नल साहब, नेचर तो हम इन अतिथि का भी जानते हैं। हमें जाना होगा, अभी के अभी जाना होगा। अरे अरे, मैं भी चलता हूं। क्यों रे भाई, ये तो वास्तु शास्त्र से भला करती हैं, पर ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं ना देखकर? Just because of Geet ji habit. गीत जी की आदत की वजह कर पीपल रन अवे फ्रॉम हिम, लोग उनसे भागते हैं। आइए 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 भाई, सब चले क्यों गए? आपको देखकर। कमाल है, कितनी खूबसूरत अंगूठी है आपकी। है ये हमारी नहीं है। ये इस दिशा में क्यों है? अरे हेमा जी, आप भी कैसी बात कर रही हैं भाई। अंगूठी की दिशा थोड़ा ही तय कर सकते हैं। वो तो उंगली में रहती है, फिर उंगली जिस तरफ जाएगी उसकी दिशा उधर ही हो जाएगी। जी नहीं, मैं आपकी अंगूठी की बात नहीं कर रही हूँ, इस स्विमिंग पूल की बात कर रही हूँ। ये मेन गेट की उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, इसे दक्षिण दिशा में होना चाहिए। मीन्स बिहाइंड द हाउसेस, घर के पीछे ना? बिल्कुल सही, ये तो सबसे नुकसानदायी जगह पर है भाई। आज तक ये फूफा जी सबको राय देते रहे हैं, लेकिन आज ये फूफा जी आपसे खुद राय मांग रहे हैं। बताइए हमें क्या करना चाहिए? इसे हम एक सफेद चादर से ढक देते हैं और पीछे की ओर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी डाल देते हैं। ओके, जैसा आप कहें। चलिए चतुर्वेदी। हे माता रानी, पहली बार हमें अतिथि भगवान नहीं बल्कि दानव का रूप लग रहा है। अपनी कृपा हम पर कीजिए और हमें उनसे मुक्ति दीजिए। पंडित जी, आपका वास्तुशास्त्र का ज्ञान आधा अधूरा है, मैं इसे और सिखाकर पूरा करना चाहती हूँ। पहले आप अपना पूजा पाठ तो कर लीजिए। Thank you.
अरे पंडित जी कहाँ जा रहे? पंडित जी, पंडित जी। कर्नल साहब, आप हमें ऐसी स्थिति में देखकर हंस रहे हैं? I'm really sorry, लेकिन हम अपनी हंसी पर लाइन अप कंट्रोल नहीं लगा पाए। लेकिन किसने किया? किसने डाला ये कपड़ा? ये फूफा जी ने और चतुर्वेदी ने। क्यों? वास्तु शास्त्र के हिसाब से मतलब ये कि हेमा जी को पुल की जगह सही नहीं लग रही, तो उनके कहने पर पूरे पुल को कॉर्डन कर दिया गया। इसीलिए आप फंस रहे हैं कर्नल साहब। ऐसा ही अनुभव कल रात आपके साथ भी हुआ था, भूल गए? ये यहाँ का सामान यहाँ रख दीजिए। इसीलिए हमने आपके यहाँ अतिथि को भेजा था। वेरी मीन ऑफ यू। लेकिन कल रात को हमें भी एक स्ट्रेंज अनुभव हुआ। वो गीत जी ने हमारे एक शोपीस उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अच्छा, लेकिन सिर्फ आपका ही नहीं, अरे उन्होंने तो हमारी पुश्तैनी घड़ी भी अपनी जेब में डाली। अरे घड़ी क्या, उन्होंने तो ना जाने कितनी कितनी चीजें अपनी जेब में डाल ली। इसका मतलब ये है कि वो चोर है? हाँ, और वो चोरी करते फूफा जी ने अपनी आंखों से देखा है। तो आपने अब तक बताया क्यों नहीं? हम उन्हें गोली मार देंगे। I'll shoot him. इसीलिए नहीं बताया। मत भूलिए कर्नल साहब कि वो गुलशन के दोस्त के माता पिता हैं। भूल गए? देखिए कर्नल साहब, जिंदगी में हर सवाल का जवाब नहीं होता और हर बात का जवाब सजाए मौत नहीं होता। बोल साचे दरबार की जय पंडित जी। लेकिन अब इसका इलाज क्या है? हाथ दीजिए। हाथ दीजिए। चलो पंडित जी, एक काम तो अच्छा हुआ कि आप गर्मी में नहा लिए। आपस में काँव काँव करने से अच्छा है कि हम इस समस्या को आपस में मिलकर समझदारी से सुलझाएं। हम दोनों मिलकर इस समस्या का इलाज करें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.